अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अमीन खान है। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो जिनको वायरल फ्लू का मसला होता है यानी जिनको नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होता है, तो इस मौसम में जैसे ही मौसम चेंज होता है, दिन में गर्मी रात में थोड़ी बहुत सर्दी यानी मौसम चेंज हो रहा है, तो उनको जो है नज़ला ज़ुकाम और बुखार वायरल फ्लू यानी इसको बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी क्या वजह है, क्या वजूहात है और इसमें कौन सी वैक्सीनेशन करनी चाहिए कौन सी नहीं, तो अगर आप हमारे चैनल पर रहे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप लोगों की मोहब्बत होती है। लाइक करें, कमेंट करें, शुक्रिया। बात करते हैं नज़ला ज़ुकाम, जो मौसमी फ्लू होते हैं, मौसम चेंज हो रहा है, बहुत सारे बच्चे और बड़े गले ख़राब हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम छींक आ रही है और बुखार तेज़ होता है। उसमें जब गर्मियाँ होती है तो हमारे जब गर्मी होती है तो हमारे जिस्म उस गर्मी से चला हुआ आ रहा था, यानी उस वो गर्मी बर्दाश्त हो रही होती है, वो गर्मी उसकी आदत होती है। और जो ही सर्दियाँ स्टार्ट होती है तो उसमें जो है ना ठंडा पानी भी पी रहे होते हैं और एसी भी चला रहे होते हैं और वो रूटीन खाने भी रूटीन हमारी वही होती है, यानी कोल्ड ड्रिंक भी पीना है, ठंडा पानी भी पीना है, आइसक्रीम भी खानी है, तो इससे अमूमन नज़ला ज़ुकाम बुखार जिनको एनर्जीज का मसला हो उनमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह है कि क्योंकि हमारा जिसम पहले से आदत नहीं हो तो और आदत होती नहीं है तो वो सब चीज़ें रहते, तो उसके बाद नज़ला ज़ुकाम बुखार कहाँ से ये स्टार्ट हो जाती है उसमें से। और इसके साथ गला नज़ला ज़ुकाम जो अच्छा चल रहा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो नतीजा ये होता है कि हमारा गला खुश्क होता है और उसको जो है ट्रोट इन्फेक्शन या चेस्ट इन्फेक्शन, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। वो लोग जिनको ज़्यादा एनर्जी होती है, जिनके ख़ानदान में एनर्जी होती है, जिनको गले की एनर्जी हो सकती है, जिनको सांस की एनर्जी हो सकती है, या गले में खरगन की आवाज़ आती है, सांस में ब्रीडिंग की आवाज़ आती है, जब मौसम चेंज हो रहा था उसकी जो है ना अमूमन चेंज होती रही है, वो लोग जिनको अक्सर ज़रूरत रहती है कि फ्लू रहता है, खराब गला ख़राब रहता है, चेस्ट इंजेक्शन होता है, खांसी नज़ला ज़ुकाम होता है, उसको मैनेज करना ज़रूरी होता है। जो ही उनको हम लोग ये एडवाइस करते हैं, जैसे ही मौसम चेंज हो रहा हो तो आपने फ़ौरन वैक्सीनेशन करवानी है। वैक्सीनेशन करके ये कि आप इससे बच सकते हो, यानी आप दो तीन काम उसके साथ जरूर करें, वैक्सीनेशन फ़ौरन काम करें, बच्चों बड़ों को वैसे भी करना चाहिए वैक्सीनेशन, और जो छोटे बच्चे जो बुजुर्ग हो 60 अबा हो तो उसको फ्लू की वैक्सीनेशन लाजमी करना चाहिए, और जिनको अक्सर एनर्जी रहती है तो उनको वैक्सीनेशन करनी चाहिए, नंबर एक। दूसरे नंबर पर जो है ना अगर गर्म पानी का इस्तेमाल करें, यानी सुबह उठे गर्म पानी पी लें, रात को सोने से पहले आप गर्म पानी पी लें, तो उनके जो सांस की नालियां हैं वो कुल्लू रहें, उससे कुंद रहें। आप गर्म कपड़ों का ठीक है, मतलब इतनी सर्दियां नहीं हैं, गर्मी हो रही है, मगर फिर भी आपको थोड़े से बर्दाश्त करना पड़ेगा। जिनको आपको एलर्जीज का मसला हो एसी बंद करना या उसको कम करना पड़ेगा, डाइट के ऊपर अपने तवज्जो देनी है, और अक्सर आपको एलर्जी रहती है तो उसमें जो है गले ख़राब होते हैं, तो उसमें जो है ना आप वो लोग हैं जिनको सालों साल एलर्जी रहती है उनको वैक्सीनेशन करनी चाहिए। अगर वो माइटी का वगैरह या मोटोलिक एसिड फार्मूला वगैरह यूज़ करते हैं तो वो आपने इस्तेमाल करनी चाहिए लगातार डेली वन, और साथ में एहतियात करनी ज़रूरी हो गर्म चीज़ों के हवाले से, और इसमें गर्म पानी ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और जो है ना ऑयल वाली चीज़ें भी सारे वर्जी कम, इसके बावजूद भी गला ख़राब हो जाता है या फ्लू हो जाता है यानी सांस में तकलीफ होती है, तो हम अमूमन एडवाइस करते हैं जस्ट पैनाडोल और साथ में कोई अच्छी कंपनी की एंटी एलर्जी लो, फिलहाल कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेते, क्योंकि ये हमारा तजर्बा है जब मौसम चेंज होता है तो ये शुरू में इनिशियल स्टेज पर होता है, यानी अगर आप आई एंटीबायोटिक लेते हो बगैर डॉक्टर के मशवरे से उसकी रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आने स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद एंटीबायोटिक के जो है ना असरात ऐसे होते हैं कि आपके बॉडी पे असर नहीं करता, जब आप बिना वजह एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हो तो वो आपके जिस्म पे रिजेक्शन पैदा करते हैं और वो आपके जिस्म पे फिर असर नहीं करते, तो आपको जस्ट पैनाडोल और एंटी एनर्जी को अच्छी कंपनी की लेनी चाहिए आपको, उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अगर एहतियात करने के बावजूद वैक्सीनेशन करने के बावजूद फ्लू हो जाता है, और दूसरी कैटेगरी में जो है ना जिनको कोई भी ऐसे मसला नहीं, जिनको पहले कमी नहीं हुआ, यानी पहले कभी भी एलर्जी नहीं हुई कि ऐसा कोई मसला नहीं है,
या 6-8 महीने में उसको एनर्जी होती है तो वो दूसरी कैटेगरी में आते हैं, तो उसको हम फॉलो अप में रखेंगे। उसमें उसमें एहतियात लाजमी है, वही गर्म पानी आपने पीने है सुबह शाम, गर्म पीने पीने डाइट अपनी चेंज करनी है, सर्दी कपड़े आपने इस्तेमाल करना है, एसी बंद करना है, भाग्य थोड़ा सा अगर उनको प्लस भी फ्लो हो जाए तो आप 3 से 5 दिन के लिए पैराडोल ओरिएंटेड एनर्जी साथ में इस्तेमाल करें, थोड़ी बहुत एनर्जी की जरूरत। एक और चीज़, यानी जो कोरोना का सीज़न आया था, याद है आपको 4-5 साल से मेरे कोरोना का सीज़न आया था, इसमें सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उस वक्त भी हम लोग मास्क जो है ना आप तरजीह देते थे। तो कोशिश करें जिनको जो है ना फ्लू नज़ला जुकाम या वायरल मौसम हो रहा है तो वो कोशिश करें मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, डस्ट से बचे, डस्ट वगैरह होते हैं तो लाजमी बात है वो डस्ट, उसके बाद जो है ना मिट्टी हमारे जिस्म में जो है ना नाक के लिए सांस में जाती है, तो जिनको एनर्जी नहीं मिले तो वो सांस की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अगर वो कंडीशन आपको वो सांस ख़राब होने शुरू हो गए, यानी मैं दोबारा आपको कहता हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा सिविलिटी यानी सांस लेने में मुश्किल हो रही है, सांस ख़राब हो रही हो, सांस खींच के लेना पड़ रहा हो, तो उस सूरत में आपने फिर लाजमी डॉक्टर से मशवरा करना है, और यानी आवाज़ आनी चाहिए सीने, तो फौरन डॉक्टर से मशवरा करके आपको एंटीबायोटिक को स्टार्ट करनी चाहिए, उस पर फिर आपने सब्र नहीं करना चाहिए, अच्छी एंटीबायोटिक डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो अगर आप उस पर एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करते तो सांस की नालियाँ बंद होने के बाद यानी कि जानलेवा आप हो सकते हो। तो अगर वायरल फ्लू है नज़ले जुकाम तो पैराडोल सोफ्टिन, और अगर सांस में ज़्यादा मसला आ रहा हो तो आपने फौरन डॉक्टर से मशवरा करना है। तो ये थी वायरल जो है ना फ्लू की जो है ना मालूमात, अगर आपको कुछ और मालूमात चाहिए तो हमें कमेंट लाजमी करें। शुक्रिया।